और ये है अशोक रिजॉर्ट। जब यहाँ थे ना देहरादून में तब आते थे शॉपिंग करने के लिए, यहाँ पलटी मार्केट में। दोस्तों हम पहुंच गए हैं धामपुर में और यहाँ पे है एक ढाबा और यहाँ पे खाना खाते हैं, चाय पी ली हमने यहाँ पे कुल्हड़ वाली। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। मैं प्रेमा कुमार भी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से। ब्लॉग की शुरुआत हो गई है मेरी, सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए हम एक नए सफर के लिए और सारे बैग वगैरह हमारे पैक हो गए हैं। सुबह सुबह चाय पी के ही निकल रहे हैं घर की। सुबह की जो झाड़ू पोछा हो गया, पूजा पाठ वो मेरी हो चुकी है, तो चलते हैं आप सभी लोगों को भी ले चलते हैं एक नए सफर में। हल्द्वानी से देहरादून का आज का टूर है हमारा, तो आप सभी लोगों को देहरादून का टूर कराते हैं, तो आप सभी लोग बने रहना हमारे साथ। और ये हमारे बैग तैयार हो चुके हैं। कब्बू ने जाना है शादी में, तो उसने अपना गिफ्ट भी जो है ना पैक करवा दिए हैं यहीं से। ओ बाबा हो, ये कितना भारी हो रहा है यार। कब्बू भी तैयार हो चुकी है। हेलो गाइस, आज कब्बू जा रही है अपनी दोस्त की शादी में, तो चलती है। ओहो भगवान, ये वाले जूते भी साइड रखने के यार इसने रखे हैं। नमस्कार, हाँ यार, आप कल मैं दुकान में आई थी, कहाँ थी तुम? अच्छा, तभी दो रून देवरानी जिठाने नहीं दिख रहे थे। हाँ राहुल, राहुल अभी उठ रहा है। चल कबू, इसको भी ले जा, बड़ा वाला बैग भैया को दे दे, गाड़ी में डाल देगा वो। चल फिर बाय बाय। ये माही देखो, बाय मानसी। माही मानसी जाने लगे स्कूल को, तो चलते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंग। तो चलते हैं, सुबह के बजे हैं 8 और हम निकल चुके हैं अपने घर से। चुके हैं हल्द्वानी से देहरादून को और ये है रामनगर वाली हाईवे। और गेहूं के खेत आम के बागों के बीच बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देहरादून यहाँ से 288 किलोमीटर और सुबह के अभी बजे हैं 8:15। कितने घंटे लगेंगे यहाँ से? 6।
हम पहुंच गए हैं रामनगर और ये है रामनगर की बाजार। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं रामनगर में और यहां से ना फ्यूल डलवा लिया है गाड़ी में और यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंडा भी हो रहा है। यहाँ हल्द्वानी से भी पेट्रोल महंगा है। पिछली बार डलवाया था तो सस्ता था। अभी बोला 10 बजे के बाद जो है 90 हो जाएगा। हाँ पता नहीं कंपनी ने कर रखा था। और एक बात जो हल्द्वानी से 40 पैसा महंगा। हम पहुंच गए हैं काशीपुर में और यहाँ पे ना फ्लाईओवर का काम अभी जारी है, कार्य प्रगति पे है। चलोगे गब्बू? जब निक्की की शादी में आया था तुम ना तब भी चलाई था यहाँ। कम से कम 4 साल हो गए और अभी यहाँ काम चल ही रहा है 4 सालों से। हम निकल गए हैं बाईपास। और हम आ गए हैं सीधे हरिद्वार वाले हाईवे में और ये आ गया यहाँ पे टोल प्लाजा। हमारे यहाँ से सबसे फर्स्ट वाला टोल प्लाजा उत्तराखंड में। दोस्तों हम पहुंच गए हैं धामपुर में और यहाँ पे है एक ढाबा और यहाँ पे खाना खाते हैं। चाय पी ली हमने यहाँ पे कुल्हड़ वाली और ये है बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी ढाबा। उससे आगे पे है ये गांव और यहाँ पे है ये ढाबा राजेंद्र सैनी ढाबा। तो यहाँ पे खाते हैं दिन का खाना क्योंकि आज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो कुल्हड़ वाली चाय हमने पी ली है यहाँ पे और भैया बना रहे हैं यहाँ पे मिक्स वेज। यहाँ पे घर की साग सब्जी बनाते हैं। यहाँ पे पालक बोया है दादी जी लगी हैं धनिया काटे में। दादी धनिया बोया है? अच्छा खेती बाड़ी में लगे हो? हाँ। चलो अच्छा है, अच्छा है, अपना काम भी हो जाता है। हाँ। चल भी जाता है इधर साग सब्जी घर की। यहीं पे रहते हैं आप? गांव में रहते हो? ये हैं दादी जी। दादी नाम बताओ तो। शांति, शांति देवी। हाँ और दादी ने बिल्कुल खेत का धनिया काट दिया यहाँ पे। और ये आ चुका है मटर पनीर और मिक्स वेज। तो ये आ चुका है हमारा खाना और ये है सलाद बिल्कुल खेत से। अजेंद्र सैनी ढाबा जरूर खाए यहाँ, बहुत स्वादिष्ट खाना था। भैया ने सारी चीजें घर की बनाई थी, शुद्ध शाकाहारी। और ये पड़ता है धामपुर में। आपका छूटना नहीं चाहिए। चलो फिर ठीक है भैया, अगले बार मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ना पूरा फ्लाईओवर का काम चल रहा है।
ये है माता चंडी का मंदिर हरिद्वार में, और पूरे रोपवे लगे हैं ऊपर को माता रानी के दरबार तक। और पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। गए से देहरादून को, और सामने दिख रहा है मनसा देवी का मंदिर। और हरिद्वार में ना पूरा धुंध छाई हुई है, पूरा पूरा दिन का 2:15 हो गए हैं, और यहाँ का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है धुंधला धुंधला। और ये गई सीधे गंगा में। कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 34 फॉर 2 किलोमीटर्स। की पौड़ी हो गंगा मैया हर हर महादेव। तो हरिद्वार क्रॉस करने के बाद अब चलते हैं सीधे देहरादून। देहरादून 33 ऋषिकेश 14। और यहाँ से एक रोड ऊपर को गई, जो ये गई सीधे ऋषिकेश को, ऋषिकेश श्रीनगर, और इधर गई जो देहरादून और पोंटा साहिब। तो हमें निकलना है देहरादून वाली में। और ये गाड़ियाँ आई हैं नीचे ऋषिकेश से। पहुंच गए हैं देहरादून में। ये है रेलवे स्टेशन घंटाघर को सीधे आगे, और डालनवाला ये गई सीधे आगे को घंटाघर। रेड लाइट ऑन हो रखी है। तो हम पहुंच चुके हैं घंटाघर में। इतना जाम है यहाँ, इतनी भीड़ है। एक घंटा बज गया है घंटाघर में। जब यहाँ थे ना देहरादून में, तब आते थे शॉपिंग करने के लिए यहाँ पल्टन मार्केट में। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं घंटाघर, और यहाँ पे थोड़ा बहुत काम था वो हमने कर लिया है, और अब चलते हैं आगे। और यहाँ पर पीनी है चाय अम्मा के हाथों से। ₹15 की चाय। और ये है घंटा घर। घंटा घर हम पहुंच चुके हैं घंटा घर में। आ जा बब्बू,
और ये है आंवले। तो मेरे से ना कब्बू को ढस लग गया है। और ये है गुच्चू पानी परेड ग्राउंड स्वस्थ धारा है। हम पहुंच गए हैं आरटीओ ऑफिस देहरादून और यहाँ है हमारा काम। पहले सबसे पहले काम करके आते हैं। और ये है अशोक रिजॉर्ट, अशोक स्पाइन रिजॉर्ट। वाह कितने अच्छे अच्छे से फूल लगे हैं यहाँ पे। बोल भी दे थोड़ा। अब हम आ गए हैं अरोड़ा की वेन्यू में, अरोड़ा की शादी की वेन्यू में। ये है मनन एंड स्मृति। तो बेटा बहुत बहुत बधाई है आपको। अभी हल्दी की ना मेहंदी की हो रही है ना रस्में, ठीक है। तो आप चल तैयार भी तो होगी। हाँ चलो चलो। और ये है स्मृति एंड मनन। स्मृति है कब्बू की दोस्त और कब्बू आई है अपनी दोस्त की वेडिंग में। तो दोस्तों हम पहुंच गए देहरादून। ये मेरी दोस्त रानीखेत की पुरानी दोस्त पे आज हम पहुंच गए देहरादून। हम दीवर आएगी, तुम अप्रैल नहीं आ रहा। तुमको भी आना है, आओ फिर और हमारे यहाँ देहरादून घूम के जाओगे। ये दोस्त आ गई पुरानी वहाँ से हल्द्वानी से। काका घुमाला बताओ बताओ काका घुमाला। जहाँ जहाँ बोलोगे वहाँ वहाँ सब जगह। और यहाँ पे खिले हैं बहुत प्यारे प्यारे से फूल। उन्होंने लगन नहीं आंटी करनी। तो दोस्तों हमने शाम का खाना भी खा लिया और दोनों दगड़ी बैठ गए। हम दोनों पहाड़ी दगड़ी बैठ गए। हम पुराने दोस्त हैं रानी खेचे। और एक दगड़ी आई दिखाऊं तुमको, एक दगड़ी ये आ गई है गांव से। गांव में बर्फ गिर गई। मेरी दगड़ी का टोपा देखो सिर में, खार में टोपी हल्क है तो दगड़ी को ठंड। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ना उसको यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो दोस्तों को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और गोल्डन बटन दिलवाना दोस्तों। आती रहे यार दगड़ियों पहाड़ी ब्लॉग्स, पहाड़ी दगड़ी सन आपको पहाड़ी इनको हगिल कर बढ़ाती रहे। ठीक था, बाय बाय, गुड नाइट, फल हरिया दगड़ियो, भो मिलन तुमको, भो मिलन तुमन हूँ।